के संविधान की बात मैंने बताई और बाबा साहेब की पत्नी यानी कि हमारी पूज्य माता रमाबाई जी जिन्होंने अपने चार चार बच्चे हमारे लिए बलिदान कर दिए, उनका अगर त्याग और बलिदान ना होता तो शायद बाबा साहेब ना बन पाते। बाबा साहेब इतनी लड़ाई नहीं लड़ पाते जितनी वो लड़ाई लड़कर चले गए और हमें अधिकार दिलाकर चले गए। लेकिन वही माता रमाबाई कैसे दुख में रही, क्या क्या उन पे बीता, एक छोटी सी घटना मैं बताऊंगी। बाबा साहेब जब लंदन से अधिकार लेकर लौटे तो बाबा साहेब का जगह जगह बहुत सम्मान किया गया, जगह जगह प्रोग्राम होने लगे और बाबा साहेब को बुलाया जाने लगा, क्योंकि पूरे भारत के अंदर बाबा साहेब छा गए थे। बाबा साहेब को सम्मान में पगड़ी मिलती, कहीं कहीं कुछ मिलता। बाबा साहेब के घर में एक पगड़ी रखी थी और बाबा साहेब को किसी प्रोग्राम के लिए जाना था। उस प्रोग्राम में माता रमाबाई ने कहा कि साहब आज मुझे भी आपका सम्मान देखना है, लोग आपको बुलाते हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी आपका सम्मान देखना है। बाबा साहेब ने कहा कि नहीं रामू, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। बाबा साहेब चले गए और माता रमाबाई घर पर रह गई, लेकिन उनका बहुत मन था कि वो बाबा साहेब का सम्मान देखे। माता रमाबाई के पास साड़ी नहीं थी, इसलिए माता रमाबाई ने बाबा साहेब की वो पगड़ी खोली, उसे हाथ से समेटा और उसकी सलवटें खोलने की कोशिश की। उस पगड़ी की माता रमाबाई ने साड़ी बनाई और उस साड़ी को पहनकर माता रमाबाई बाबा साहेब का सम्मान देखने के लिए पहुंची। बाबा साहेब जब भाषण दे रहे थे तो माता रमाबाई दूर छिपकर बैठी थी कि कहीं मेरे साहब को मैं दिख ना जाऊं और मेरे साहब नाराज हो जाएंगे कि मेरे मना करने के बाद भी तू आई। लेकिन बाबा साहेब की नजर माता रमाबाई पर पड़ गई थी और माता रमाबाई बाबा साहेब का भाषण सुनकर वापस हो चली थी। जो पगड़ी माता रमाबाई पहन कर आई थी, जो पहले नीचे तक आ गई थी, वो सिकुड़कर थोड़ी सी देर में फिर घुटनों तक आ गई थी, क्योंकि उसमें सलवटें बहुत ज़्यादा थी। और माता रमाबाई ने बाबा साहेब के आने से पहले उस पगड़ी को ऐसे ही बनाया और वहीं पर रख दी, लेकिन बाबा साहेब ये सब देख रहे थे। बाबा साहेब ने घर आकर माता रमाबाई से कहा कि रामू मैं तेरा गुनहगार हूँ, रामू मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। माता रमाबाई नहीं समझ पाई कि साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहब आप मुझसे ये बातें ऐसी क्यों कह रहे हो, आप मेरे गुनहगार कैसे हो सकते हो, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है साहब, मैं सम्मान समारोह में नहीं गई साहब, आपने मुझे मना कर दिया था जाने के लिए, मैं नहीं गई आपका भाषण सुनने के लिए। माता रमाबाई ने झूठ कह दिया कि मैं नहीं गई। बाबा साहेब ने कहा कि रामू जब मैं बोल रहा था तो मैंने तुम्हें पीछे देखा था, रामू मुझे माफ कर देना, मैं 7 करोड़ अछूतों का मुक्तिदाता बन गए जा रहा हूं, मैं अपने को 7 करोड़ अछूतों का बाप पिता कहता हूं, लेकिन रामू मैं तुम्हारा गुनहगार इसलिए हूं कि मैं अपने रामू के लिए एक साड़ी का इंतजाम नहीं कर सकता, रामू तुम मुझे माफ कर देना, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है रामू कि मैं तुम्हारे लिए एक नई साड़ी ला कर दे दूं। माता रमाबाई ने कहा कि साहब मुझे साड़ी नहीं चाहिए, मुझे नई साड़ी नहीं चाहिए साहब, लेकिन मुझे आपसे एक वचन चाहिए कि ये जो हमारे 7 करोड़ अछूत बच्चे हैं, जिनके लिए आप संघर्ष कर रहे हो, जिनका बीड़ा आपने उठाया है, जिन्हें आपको अधिकार दिलाने हैं, साहब मुझे साड़ी नहीं, इन 7 करोड़ अछूतों को इस देश का शासक बनते हुए देखना है, आपसे मुझे ये वचन चाहिए। और माता रमाबाई के ऊपर बाबा साहेब गर्व करते हैं कि धन्य हूं रामू जो मुझे तुम्हारे जैसी जीवन संगनी मिली, जो समय समय पर, जो पथ पथ पर मेरा साथ देती है। बाबा साहेब जब लंदन के अंदर थे, 2 लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं कि अंग्रेजों से और हिंदुओं से बाबा साहेब ने क्या ललकार कर कहा कि मांगो मैं तुमसे कोई भीक नहीं। जब बाबा साहेब लंदन के अंदर गए तो वहां बाबा साहेब ने अंग्रेजों को भी लताड़ा और हिंदू नेताओं को भी लताड़ा और कहा कि मांगू मैं तुमसे कोई भीख नहीं, ना उधार मांगने आया हूं, तो फिर लंदन के अंदर क्या करने आया हूं, कुछ तो करने ही आए होंगे ना। मांगू मैं तुमसे कोई भीख नहीं, ना उधार मांगने आया हूं, इन दीनहीन मजलूमों का अधिकार मांगने आया हूं, अधिकार मांगने आया हूं। तो हमें बाबा साहेब की भांति शेर बनना है, हमें भेड़ बकरी नहीं बनना है। बाबा साहेब की बात हमेशा याद रखना कि हम इस देश के शासक हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं। अरे डरपोक तो
यानी के बौद्ध धर्म, सम्राट अशोक का, अखंड भारत का निर्माण फिर से हम सबको यानी के इन बहुजनों को मिलकर बनाना है और शेर की भांति चलना है, शेर की भांति दिखना है और शेर की भांति बोलना है और शेर की भांति ही लड़कर इस भारतीय संविधान को बचाना है। महिलाएं क्या अंधविश्वास को छोड़ेंगी? महिलाएं हाथ ऊपर करें। महिलाएं, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो बाबा साहेब की बात को मानेंगी? हाथ ऊपर करें। महिलाएं पीछे तक, मानने के लिए तैयार हो तो बाबा साहेब की एक प्रतिज्ञा याद रख लेना कि मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। अपने घरों से इन सबको बाहर करना और भगवान बुद्ध और बाबा साहेब को अपने घर के अंदर लेकर आना, क्योंकि आपने हाथ उठाकर कसम खाई है। तो इसलिए भाई, जो इनके घर से पुरुष बैठे हैं, अगर ये काम ना करें तो जबरदस्ती तुम्हें ये काम करना है, मनुवाद की धज्जी तुम्हें उड़ानी है, यानी के मनुवादियों के देवताओं को बाहर करना है। करना है या नहीं? जो हमारे देवता हैं वही हमारे घर के अंदर रहेंगे, जो हमारे देवता नहीं है वे हमारे घरों के अंदर नहीं रहेंगे। महिलाएं इस बात से सहमत है? जरा हाथ ऊपर करो। आप मेरी बात से सहमत हो तो इसके लिए धन्यवाद। मुझे मंच के ऊपर इतना टाइम मिला, मैं इस आयोजक टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और आपने मुझे ध्यान से सुना, मैं सभी को एक बार फिर धन्यवाद देती हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।